लेट्स मेक होममेड चॉकलेट स्प्रेड। पैन में आलमंड्स को लेके इसे मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करूंगी। अब इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके फिर इसे मिक्सर जार में डालूंगी और इसकी पेस्ट कंसिस्टेंसी होने तक इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी कोको पाउडर, पाउडर्ड शुगर, थोड़ा सा तेल और वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल के इसे थिक कंसिस्टेंसी और स्मूथ टेक्सचर होने तक ब्लेंड कर लूंगी। और ये होममेड चॉकलेट आलमंड स्प्रेड सर्व होने के लिए रेडी है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेटर में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस चॉकलेट स्प्रेड को आप क्रैकर्स या टोस्टेड ब्रेड के ऊपर अप्लाई करके भी एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरी रेसिपी आप तरलादलाल.com पे देख सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो करें।